आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की फेमस पाव भाजी, स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, जिसका मैं आपको बहुत इजी मेथड बताने वाला हूँ, जो बनाना बहुत आसान होगा और टेस्ट में शायद ही कहीं आपने ऐसा टेस्ट कहीं खाया होगा पाव भाजी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शुगर एंड बटर। सबसे पहले हम सब्जियों को तैयार करने के लिए रख देंगे बॉईल करने के लिए। तो उसमें मैंने गाजर लिए दो, आधी घिया लिया है जिसे हम बॉटल गार्ड भी बोलते हैं, और एक गोभी, फूल गोभी, और यहाँ चार आलू। आलूओं को सबको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और एक कुकर में इन्हें हम डाल देंगे। सबसे पहले गाजर डाल देंगे, उसके बाद मैंने लिया यहाँ गोभी, फूल गोभी, फिर ये घिया जिसे लौकी भी बोलते हैं, और ये लास्ट में आलू। इसमें हम पानी डालेंगे एक कप, बिकॉज ये सब्जियाँ खुद पानी छोड़ती हैं बॉईल होते वक्त, और इसमें आधा चम्मच नमक। इसको ढक के रख देंगे बॉईल होने के लिए। मैंने यहाँ पर कोई भी मसाला या इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर आप घर में बच्चों के लिए भी अलग से बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे जब ये बॉईल हो जाते हैं तो आप इनको निकाल के अलग रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बॉईल हुआ है ये। इसको हम लोग यहाँ पर ही कुकर के अंदर ही इसको मैश कर देंगे, सो दैट ये लास्ट में जब हम इसे ऐड करें ग्रेवी में तो हमें दोबारा मैश ज़्यादा ना करना पड़े। कुकर में ज़्यादा अच्छी तरह मैश हो जाएगा, अभी गर्म है सब्ज़ियाँ, बॉईल होकर चुकी हैं तो बहुत ईजीली मैश हो जाती हैं। तो मैं यही तरीका अपनाता हूँ, आप भी करके देखिएगा, बहुत ईजीली काम बहुत इजी हो जाता है इससे आपका। अब मैंने यहाँ पे तड़का लगाने के लिए लिया है 3 बड़े प्याज, 2 शिमला मिर्च, 3 टमाटर, चॉप धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच जीरा, आधा कप मटर लिए मैंने जो गर्म पानी में रख दी है सो डेट वो सॉफ्ट हो जाए, और ये 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, कोशिश कीजिएगा दोस्तों कढ़ाई वो लीजिएगा जिसका सरफेस एरिया बड़ा हो ताकि सब जगह से बराबर कुक हो पाव भाजी। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है और करीबन 4 से 5 चम्मच आप इसमें बटर डालिएगा। ऑयल बटर को जलने से बचाएगा, इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। इसमें ऐड करेंगे जीरा, हल्का सा जीरे को भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च आप 1-2 जितना चाहें ले सकते हैं, बिकॉज हरी मिर्च बटर में फ्राई होने के बाद वैसे भी कम तीखी रहती है। ये मैंने ऐड किया कैप्सिकम, सबसे पहले कैप्सिकम को डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब डालेंगे इसमें अनियन, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर का जो ये तड़का लगता है सबसे ऊपर, अगर आप देखेंगे ठेले वाले भी मुंबई में मैंने जो देखा है खासकर, वो पहले से ही आलू वगैरह को बॉईल करके रखते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन ये जो तड़का होता है इसको फ्रेश बनाया जाता है तभी इसका टेस्ट आता है। जो हल्की हल्की सब्जियां मुंह में आती हैं उनका टेस्ट बहुत अलग होता है दोस्तों। ये देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, ये मैंने 2 चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है, ये अच्छी ब्रांड का लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ऑर्गेनिक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी वाला, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया, रेड कलर, और जैसे जैसे ग्रेवी आगे पकती जाएगी कलर अपने आप निकल के आएगा इसका। पक चुका है इसका मसाला, इसमें अब हम डालेंगे मटर। मटर मैंने गर्म पानी में डाल के रखी हुई थी, ये बहुत सॉफ्ट हो गई है, इनको चाहे तो आप कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मटर का कच्चापन जब आता है, मटर आपकी दिखनी चाहिए पाव भाजी में, हल्की सी मटर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, ये थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, टमाटर के बाद आप डालिए 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, नमक कैसा डालना है आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा मैश करेंगे, ये जो मटर है और शिमला मिर्च है इनको मैश कर लीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ मैश कीजिएगा, इसी तरीके से मैश करके आपको जितने साबुत मटर या कुछ दिख रहा है आप उसको मैश कर लीजिए ताकि वो साबुत ना रहे, उसके छिलके दिखें बस। ये देखिए सब मैश हो चुका है, कुछ भी आपको पूरा नहीं दिखेगा, बट आपको सब्जियां दिख रही हैं, बट ये पूरी सब्जियां नहीं दिखेंगी, जैसे मटर का पूरा दाना नहीं दिखेगा आपको, उसका छिलका दिखेगा। अब इसमें मैंने ये फूड कलर डाला रेड कलर का, 2 ड्रॉप डाला है, आप चाहें तो ना डालें, ये टोटली ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आ जाता है इसलिए मैंने डाला ये।
और उसको हम जैसे जैसे पकाएंगे ये कलर और निकल के आएगा बाहर, तो काफ़ी रेड लगती है इससे पाव भाजी। आप चाहें तो इसकी जगह चुकंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बीट रूट, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। ये मैंने मैश सब्जियां जो थी वो डाल ली हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। दोस्तों मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बाद में इसलिए डाला है, अगर हम शुरू में डालते हैं तो इसका बिल्कुल भी टेस्ट स्मेल ज़्यादा नहीं आती है। अब भी हम डालेंगे तो ऐसा नहीं है बहुत पंजेंट स्मेल या टेस्ट आएगा, लेकिन आएगा, जो कि ज़रूरी है, थोड़ा बहुत आना टेस्ट ज़रूरी है। एक बार फिर से इसको मैश कर लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा निकल कर आया इसका, मैंने कहा था विद टाइम ये कलर और आएगा इसका। अब ये बहुत गाढ़ी हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, भाजी गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और पतली भी नहीं होनी चाहिए। आप पाव लगाएं तो उसमें भाजी चिपक जाए, पाव उसका पूरा जूस एब्जॉर्ब कर ले, उस तरीके की भाजी होनी चाहिए। एक बार लास्ट में फिर से मैश कर लेंगे इसे, जितनी भी साउथ सब्जियाँ हैं सबको। इस टाइम देखिए जो हमने तड़का लगाया था कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस आपको हल्का हल्का हरा हरा शिमला मिर्च और मटर के छिलके दिख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी भाजी तैयार हुई है ये। इसमें लास्ट में हम डालेंगे धनिया, खूब सारा चॉप धनिया डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, आधा नींबू का रस डालिएगा दोस्तों, ज़्यादा मत डालिएगा, बिकॉज अगर आपको ये गर्म करना पड़ता है तो नींबू डाल के गर्म करना सही नहीं होता, उससे टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, तो लास्ट में नींबू डालिएगा। और मैं आज आपको एक बहुत नया तरीका बताऊँगा, जब आप पाव भाजी बनाते हैं तो पाव भाजी बनाना मतलब 75% है, लेकिन जब आप उसको प्लेट करते हैं तो 25% काम बाकी रह जाता है। तो देखिए वो ट्रिक क्या है कि आप एक पैन में छोटे से में जिसमें आप छौंक लगाते हैं उसमें अपना बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए, बटर को मेल्ट करने के बाद एक बाउल में निकालिए और इसमें थोड़ा सा आप पाव भाजी मसाला मिलाइए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपनाया हुआ तरीका है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है टेस्ट में, इससे पाव भाजी का टेस्ट बहुत एनहेंस होता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जो लोग खाते हैं वो लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। तो उसको अच्छी तरह मिला लेंगे और हम जब भी पाव सेकेंगे इसमें ये बटर डालेंगे तवे पे और उसमें धनिया मिला के पाव को सेकेंगे। आप चाहे तो इसे भाजी में भी ऐड कर सकते हैं एक चम्मच, जब आप सर्व कर रहे हो तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सॉफ्ट पाव लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड पाव ना हो तो अच्छा है, सॉफ्ट पाव का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। इसे बीच में से कट कर लेंगे। अब तवे पे डालेंगे 2 teaspoon बटर, मसाला बटर जो हमने रेडी किया है अभी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, इसको हल्का सा सॉल्ट कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे इसमें पाव सेक लीजिए। जो आपने मसाला बटर तैयार किया है जब भी आप उसे डालें उसे एक बार नीचे से ज़रूर चलाइएगा, बिकॉज वो नीचे मसाला बैठ जाता है, पाव के दूसरी तरफ भी आप बटर लगा लीजिए, वो नीचे बैठ जाता है तो उसको चलाने का ध्यान रखिएगा। और लास्ट में अगर आपका बटर बच जाता है पाव सेकने के बाद तो आप उसे भाजी में मिला सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सेक के इसका कलर आया है और पाव भी बहुत सॉफ्ट है। अगर आप पाव देखेंगे एक बार तो देखिए पाव ऊपर उठ के आ रहा है बहुत इजीली, इसी तरह सॉफ्ट होना चाहिए पाव। अब हम इसको सर्व करते हैं, सर्व करते टाइम आप थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हैं भाजी में। तो ये है हमारी पाव भाजी रेडी। तो बताइएगा दोस्तों पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी आपको,
अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।